इस आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो जी पी टी यानी कि प्री ट्रेन मॉडल्स या जनरेटर प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स या कोई भी ऐसा मॉडल जो लोगों ने बहुत बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन किया है एंड हाउ कैन वी यूटिलाइज द पावर ऑफ दोज मॉडल्स यूजिंग अ वेबसाइट कॉल्ड हगिंग फेस हगिंग फेस के ऊपर से हम डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को लेके आएंगे और डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके टेंसिव फ्लो के साथ उसे यूज़ करेंगे इनसाइड साइड आर लोकल मशीन पहले एक बात बता दूं इन मॉडल्स को इस्तेमाल करने के लिए एक तो आपको स्पेस अच्छी खासी चाहिए होगी इंटरनेट की स्पीड चाहिए होगी बिकॉज इट एक्चुअली डाउनलोड्स द मॉडल एक दफ़ा वो मॉडल डाउनलोड हो गया देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू यूजिंग आर लाइब्रेरी जिसको हम यूज़ करने वाले हैं कॉल्ड ट्रांसफार्मर्स अब ये सारा काम कैसे चलता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मुलविस हैं ये लाइब्रेरी कैसे काम करती है एंड हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न दैट नाउ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वर्क फ्लो को गौर से देखिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू चेंज द वे दैट यू थिंक अबाउट जी या प्री मॉडल्स मॉडल या डिफरेंट किस्म के जो आपके मॉडल्स हैं ऑन हगिंग फेस मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ एंड देन वी विल लुक इन टू इट कि हमारे पास कौन कौन से जो मॉडल्स हैं इस वक्त अवेलेबल हैं। हैंटमी uh, सी ओके okay, तो ये स्क्रीन आपके सामने आपको नजर आ रही है आपने क्या करना है गूगल पे जाना है गूगल पे जाने के बाद यहां पे लिखना है हगिंग फेस ठीक है हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये ट्रांसफॉर्मर्स ओपन हो जाएंगे ठीक है पहली चीज तो ये सेकेंड आपने यहां पर लिखना है पाइप हगिंग फेस पाइप जब आप पाइप लिखेंगे हगिंग फेस के अंदर तो आपके सामने ये इस तरीके से ये लिंक ओपन हो जाएगा ट्रांसफार्मर्स क्या हैं ये बेसिकली और किस तरीके से काम करते हैं दिस इज़ वन ऑफ द लाइब्रेरीज़ जो हम यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के जो भी आपके पास मॉडल्स हैं ऑनलाइन ऑन हगिंग फेस आप उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं इसको हम देखेंगे बट बिफोर दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे पाइपलाइंस हमारे सामने एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो इनकेप्सुलेट करता है ऑल ऑफ़ द पाइपलाइंस जो हम यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ पाइपलाइन लाइक दिस तो आप इसको पहले इंस्टॉल करते हैं पाइपलाइन को एंड देन उसको क्रिएट करते हैं देन यू कैन यूज़ द पावर ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो आपकी एक बेसिकली लाइब्रेरी है इनसाइड पाइथोन और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपना कोई भी एनालिसिस जो है वो ईजिली कर सकते हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसी लाइब्रेरी को यूटिलाइज करने वाले हैं विद टेंसर फ्लो यस बिकॉज टेंसर फ्लो हमारी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको टेंसर uh, फ्लो एक ऐसी लाइब्रेरी या वर्क फ्लो है जिसके अंदर ये सारा कुछ हमारे पास चलने वाला है अब ट्रांसफार्मर जो हैं ये बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं वेन एवर वी वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ टास्क ऑन टेंस फ्लो यूजिंग द पाइपलाइन अब इस पर हम पहले काम करते हैं फिर वी विल सी कि ये हमारे पास कैसे बेहतरीन तरीके से चल सकते हैं मैं अपनी स्क्रीन दूसरे वाले आपके सामने लाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगी पूरी लाइब्रेरी एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस लाइब्रेरी ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी ठीक है हमारे साथ जो भी काम आपने करना है वो साथ साथ करते जाइएगा मैं ट्रांसफर लर्निंग के अंदर ही नंबर फाइव फोल्डर नंबर यहाँ पे बनाने वाला हूँ नंबर फाइव इसको मैं बोल देता हूँ हगिंग फेस ठीक है हम हगिंग फेस के मॉडल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर एक जीरो वन अंडर स्कोर बेसिक्स के नाम से एक आई पी वाई एन बनाता हूं कि कैसे आप हगिंग फेस को यूज़ करते हैं तो ये कोड आपको मिल जाएगा इस वजह से हम ये क्रिएट कर रहे हैं सो so, सबसे पहला काम क्या है हमने हगिंग फेस जो हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है मॉडल्स का उसको हमने यूज करना है हगिंग फेस पाइपलाइंस जो हमारे पास है उसको यूज करना है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मर्स क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन मिनट मीन वाइल जैसे ही हम बाकी चीज़ों को देखेंगे मैं यहां पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप से आप सेलेक्ट करें टेंसर फ्लो का और यहां पे ट्रांसफॉर्मर्स को इंस्टॉल कर लें फॉर ट्रांसफॉर्मर्स मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ इस कर्नल के अंदर और जब तक ये इंस्टॉल हो रहे है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होते हैं सो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स क्या हैं ये बेसिकली एक

और यहाँ मैं हगिंग फेस की बेसिस पे चला जाता हूँ यहाँ पे मॉडल्स पे आप क्लिक करें ये बेबहा मॉडल्स हगिंग फेस के अंदर मौजूद हैं ये सारे के सारे मॉडल्स मतलब ठीक है और हज मतलब पाँच लाख तेरह हजार तीन सौ बहत्तर मॉडल्स इस वक्त मौजूद हैं हगिंग फेस पे अब ट्रांसफार्मर्स हमें कैसे हेल्प करेंगे जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं हम क्या करेंगे ये एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे एंड देन दीज आर द स्टेट्स ऑफ द आर्ट मशीन लर्निंग फॉर पाइटॉर्च टेंसरफ्लो एंड जैक्स टेंस फ्लो क्या है इस पर हम काम कर रहे हैं पाइटॉर्स भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की या वर्क फ्लो है जो डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए ही काम आ, काम करता है जैक्स भी एक इसी तरीके से हमारे पास वर्क फ्लो है तो हमारा मेन काम है टेंथ फ्लो के ऊपर जो हम ऑलरेडी पिछले कई दिनों से टेंथ फ्लो के ऊपर टेंसो टेंो कर रहे हैं सो वी आर गोइंग टू यूज दैट सो यू नीड टें फ्लो लाइब्रेरी और फिर ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करेंगे विच विल प्रोवाइड यू एन ए या टूल्स जो ईजीली डाउनलोड करेंगे ट्रेंड मॉडल्स को और उनकी स्टेट्स को ठीक है अब मॉडल्स क्या होते हैं अगर मैं यहां पे किसी भी एक मॉडल पे क्लिक करूंगा और फाइल्स एंड वर्जनस पर मैं जाऊंगा देन आई हैव दीज काइंड ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ द मॉडल या स्टेट्स ऑफ द मॉडल और आप अगर स्पेस देखें इसकी सिक्स पॉइंट टू फाइव जी बी है तिहत्तर एम बी है सोलह एम बी है देर और मैनी अदर अदर स्टेट्स एज वेल आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेज पर इनके डिफरेंट किस्म की मॉडल की स्पेसिज पड़ी हुई हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं ये यूज करते हैं प्री टेड मॉडल को एंड कैन रिड्यूस योर कंप्यूट कॉस्ट मतलब ये कि आप क्या करते हैं बेसिकली इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं ये ए पी आई प्रोवाइड करता है आपको जो आप क्या करते हैं आप बेसिकली जितने भी मॉडल्स ऑनलाइन पढ़े हैं उसका सबसे बेस्ट वर्जन आपके पास आता है छोटे वाला इसको मैं बोल सकता हूं और आपके पास कंप्यूट कॉस्ट जो है या कार्बन फुटप्रिंट जो है उससे बच जाते हैं आप बजाय इसके कि आप हंड्रेड्स ऑफ़ जी का एक मॉडल डाउनलोड करें और उस पर काम करें आप ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं वो ए के साथ आपको कनेक्ट करता है थोड़ा सा पार्ट आप इसका डाउनलोड करते हैं जो एक डेढ़ जी का है एंड देन यू कैन रन द सेम टास्क जो आपने पूरे मॉडल के साथ तैयार करना था अब ए क्या होती हैं ए आप ऐसे ही समझ लें कि आपने एक स्कूल में जाना है और स्कूल में जाते ही आपने किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है ठीक है आप क्या करते हैं जब स्कूल में एंटर होते हैं सबसे पहले गार्ड साहब आपको मिलते हैं फिर गार्ड आपसे पूछता है किस काम के लिए जाना है वो आपको भेजता है एक स्पेसिफ़िक ऑफ़िस में एडमिशन ऑफिस में अब वो जो एडमिशन ऑफिस में जो बंदा या बंदी बैठे हुए हैं उनके पास सॉरी अथॉरिटी होती है आपको इन करने की आपके बच्चे को या आपके बच्चों को आगे पूरे स्कूल को इंट्रोड्यूस करवाने की और अगर आप उन रिसेप्शन पे बैठे हुए लोग या जो एडमिशन ऑफिस के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो पूरे स्कूल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू कैन आस्क एनीथिंग और वो आपको रिप्लाई करते हैं लेकिन वो खुद पढ़ा नहीं रहे होते उनका काम है स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देना ठीक है एपीआई भी कुछ इसी तरीके से काम करती हैं ये इनको सब कुछ पता होता है लेकिन ये खुद नहीं कर रहे होती सो यू कैन थिंक अबाउट एन ए कि ए क्या होती है जो पीछे से बैक एंड प्रोसेस को लिंक करके आपके सामने लेके आती है बट स्टिल एट द लेस कॉस्ट ठीक है एडमिशन ऑफिस में आप सारा प्रोसीजर करते हैं देन आपका बच्चा एडमिट होता है एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द अदर थिंग्स यही अनोलॉजी आप लगा सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर यही अनोलॉजी आप लगा सकते हैं डिफरेंट किस्म के जो कॉलेजेज uh, होते हैं उनके अंदर एपीआई पर हमारा एक और लेक्चर होगा लेकिन उससे पहले आज सिर्फ जो हमारा टॉपिक है वो है हगिंग फेस का तो उसके ऊपर वापस आते हैं आप कौन कौन से टास्क कर सकते हैं बेसिकली यूजिंग ट्रांसफार्मर्स की जो लाइब्रेरी है बेसिकली जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स हैं तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि आप टेक्स्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं नेम एंटिटी रिकग्निशन कर सकते हैं यानी कि पूरे टेक्स्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे नेम यूज़ हुआ है कहाँ कहाँ पे सिटी नेम यूज़ हुआ है एंटिटी यूज़ हुई है या कोई भी आपके पास कंट्री का नाम यूज़ हुआ है तो आप पूरे टैक्स में वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं लैंग्वेज को मॉडल कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट को समराइज़ कर सकते हैं ट्रांसलेट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह को रिजॉल्व कर सकते हैं या बना सकते हैं एंड टेक्सट जनरेट कर सकते हैं एन के ये टास्क कर सकते हैं कंप्यूटर विजन के आप सारे टास्क कर सकते हैं सेगमेंटेशन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इमेज क्लासिफिकेशन ऑडियो के सारे टास्क कर सकते हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकगनीशन ऑडियो क्लासिफिकेशन फिर मल्टी मॉडल काम भी कर सकते हैं यानी कि यू कैन आस्क टेबल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑप्टिकल करेक्टर रिकगनीशन एंड अलॉट ऑफ अदर थिंग्स ठीक है अब हमारे पास अगर आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है यूजिंग द बेसिक ट्रांसफॉर्मर्स जो हमारे पास मौजूद हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार अब ये तो मैंने इंस्टॉल कर ली टें फ्लो टेंसर फ्लो हमारे पास मौजूद है ट्रांसफार्मर भी हमने इंस्टॉल कर ली जो लाइब्रेरी है बेसिकली हगिंग फेस को यूज करने के लिए या आप ट्रांसफार्मर ही कह लें इसको अब कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो मेरे लिए अवेलेबल हैं बाई दे बाई राइटिंग जस्ट वन सेंटेंस जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उन मॉडल्स की पूरी की पूरी लिस्ट ये आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी है ट्रांसफार्मर्स यहां पे आप देखेंगे तो आप अगर पाई टॉर्च को यूज कर रहे हैं तो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर आपके पास चल रहे हैं सारे के सारे मॉडल्स ये नीचे आते जाएं देखते जाएं देखें जरा लंग दे जाओ तो दे, दे जाओ वो हिसाब है मतलब गुजरते जाएं और देखते जाएं सारे के सारे मौजूद हैं टेंसर फ्लो अगर आपके पास इंस्टॉल है देन यू कैन यूज ओनली दोज जिनके पास ये टिक का निशान है ठीक है ये सारे मॉडल्स हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे कौन से टास्क करने वाले ये जो चार टास्क मैंने आपको बताएं ये करने वाले ठीक हो गया जी अब यहां पे ये जो मॉडल्स आपके पास मौजूद हैं नीचे और मेरे पास टेंसर फ्लो इंस्टॉल है आई कैन ओनली यूज दिस मॉडल फॉर एग्जांपल ये अल्बर्ट मॉडल है ठीक है और इस मॉडल को अगर मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा अगर मैं अलाइन को क्लिक करूं तो इस तरह आ जाएगा आल्ट क्लिप है मेरे पास एक मॉडल ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम ट्रांसफार्मर है एंड देर आर मैनी अदर मॉडल्स अल्लबर्ट मॉडल क्या करता है जनाब एलबर्ट मॉडल वॉज प्रपोज बाई लाइट बर्ट फॉर सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग फॉर लैंग्वेज रिप्रजेंटेशन ये बर्ट मॉडल की तरह ही काम करता है लेकिन ए लाइट फॉर्मेट है उसकी ठीक है अब ये मॉडल की यूज टिप्स और सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं तो आप इस मॉडल को यूज करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ दिस क्लास इन पाइप लाइन वी विल सी यू दैट हाउ इट वर्कस लेकिन मैं अलाइन को टेंथ फ्लो के साथ यूज़ नहीं कर सकता ना फ्लैक्स के साथ सो so, इसका मतलब ये हुआ ये जो पाईटॉर्च की फ्रेमवर्क है विच वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग डेज इंशाला और इसको बहुत ही क्विकली हम देखेंगे टॉर्च भी टेंथ फ्लो की तरह एक लाइब्रेरी है जो नम पाई विथ जी आप इसे कह सकते हैं कि ये जी की तरह काम करती है अरेज़ के ऊपर काम करती है और ये बेसिक पाइथॉन की लैंग्वेज के साथ काम करती है सो यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ पाई टॉर्च बट अगर आपके पास टेंसर फ्लो है यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ़ मॉडल्स जहाँ पे ये ग्रीन टिक का निशान है यहाँ तक क्लियर होगी जी बात आपको अब ये तो था हमारे पास के मॉडल्स कौन कौन से मौजूद हैं ट्रांसफॉर्मर्स के साथ एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करनी है एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट यहाँ पे चेक करें जनाब क्विक टूर के अंदर उन्होंने बताया ट्रांसफार्मर्स के अंदर ही अगर आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर जिनकी हम बात करें यू कैन डू गेट अप रनिंग विद ट्रांसफार्मर्स वेन एवर यू आर डेवेल्पर और एवरी डे यूजर्स जो भी आप हैं तो आपने क्या करना है ट्रांसफार्मर फार्मर्स uh, को यूज़ करने के लिए पाइपलाइंस को यूज़ कर सकते हैं जो एक ऑटो क्लास है और इसका पूरा टूटोरियल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ आप इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे देन यू कैन लर्न हाउ टू यूज़ दिस थिंग ठीक है एन एल पी क्या होती है ट्रांसफार्मर्स कैसे काम करते हैं यू कैन लर्न फ्राम हेयर इनकोडर क्या होते हैं डिकोडर्स क्या होते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल कौन से हैं या जितना भी मैंने एन का आपको पढ़ाया यू शुड रिमेंबर दैट अब यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए आप ये वाली चीज़ रन करेंगे ठीक है और डेटा साइट अगर आपको चाहिए आप डेटा सेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट मैं सिर्फ ट्रांसफॉमर्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ पाई टॉर्च करनी है तो पाई टॉर्च कर लें टें फ्लो करना है तो टेंस फ्लो हमने टेंस फ्लो को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है अब अगला काम क्या है अगला काम है टास्क कौन सा है डिस्क्रिप्शन क्या है मॉडलिटी क्या है पाइपलाइन आइडेंटिफायर कौन सा है मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैंने करना है टेक्स्ट को क्लासीफाई और मैं असाइन करना चाहता हूँ अ लेबल टू अ गिवन सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट और मैं एनएलपी का टास्क करना चाहता हूँ पाइपलाइन के अंदर जो मेरा टास्क है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस अब जब ये मैं रन करूंगा तो मेरे पास जो पाइपलाइन है वो होगी सेंटिमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस पाइपलाइन आई कैन रन वट एवर आई वॉन्ट टू डू विद द टेक्सट जो मैं प्रोवाइड करूंगा अब इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ एंड देन वी विल गो अड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर आ गया हम सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे और मैं स्क्रीन पर आपको अब लाइव डेमो इसका देने वाला हूँ और इंस्टॉलेशन के दौरान इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है बट वी विल सी ये मैंने ट्रांसफार्मर्स को पहले इंस्टॉल किया अब मैं इसको इसको मार्कडाउन के सेल के अंदर चेंज करता हूं ताकि मैं दोबारा रन ना करूं नाउ फर्स्ट थिंग इज इंपोर्ट पाइपलाइन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स ठीक है हमने क्या लिखना है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन पाइपलाइन इंपोर्ट कर ली जनाबे वाला पाइपलाइन इंपोर्ट करने के बाद ठीक है हम इसको रन करते हैं जस्ट टू सी इफ दिस इज वर्किंग ट्रांसफार्मर अगर अच्छे से काम कर रहा होगा तो ये पाइपलाइन मेरे पास रन हो जाएगी एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास मॉडल जितने भी हैं ट्रांसफार्मर्स बेसिकली उनको अपडेट कर रहा है और हमारी कैशे अपडेट कर रहा है या कैश अपडेट कर रहा है ठीक है और ये एक ही दफ़ा रन होना है यानी कि ट्रांसफार्मर्स ये एक ए की तरह काम कर रहा है और हमारी ये यहाँ पे कैश रन होगी अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँगा इट विल नॉट रन दैट प्रोसीजर अगेन अब मैं अगला काम क्या करूँगा जो मेरे पास मॉडल है या टास्क है या पाइपलाइन है उसको डिफाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा कोई भी जनरेटर ऑब्जेक्ट या मैं पाइपलाइन कह सकता हूँ या मैं कुछ भी कह सकता हूँ इसे तो मैं यहां पे कहता हूँ क्रिएट अ क्लासीफायर क्योंकि मैं क्लासीफिकेशन करना चाहता हूँ टैक्स की तो मैं सिंपली क्लासीफायर ऐड करूंगा और पाइपलाइन का नाम दूंगा सेंटिमेंट एनालिसिस ठीक है ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि मेरा टास्क डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइक हियर ये मेरा टास्क है और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताया गया है कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू पाइप लाइन विथ सेंटिमेंट एनालिसिस तो आप ये वाली पाइपलाइन को इम्पोर्ट करेंगे मैंने एग्जैक्टली exactly यही यहाँ पर इम्पोर्ट किया पाइपलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस मैं इसको रन करता हूँ एंड यू विल सी नाउ कि ये हमारे पास कोई हमने स्पेसिफिक मॉडल नहीं बताया ऐसे नो मॉडल वाज सप्लाइड डिफॉल्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड अनकेस्ड फाइन ट्यून एस एस टी टू इंग्लिश एंड रिविजन आफ्टर रिविजन ए एफ जीरो जीरो समथिंग यानी कि इन अदरवर्ड ये वाला जो मॉडल है हमारे पास ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है अब अगर आप देखें यूजिंग अ पाइपलाइन विदाउट स्पेसिफाइंग अ मॉडल नेम एंड रिविजन इज प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन इज नॉट रिकमेंडेड हमें यहाँ पर मॉडल भी देना जरूरी है मैंने कोई मॉडल नहीं दिया इस वजह से ये डिफॉल्ट मॉडल को यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच कर रहा है एंड यू कैन सी के इस मॉडल की जो स्पेस है टू सिक्सटी एट एम बी है ठीक है एंड इट्स इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर और ये जो टाइम है ये जो स्पेस है ये आपके मॉडल पे डिपेंड करती है यू कैन ऑल्सो डिफाइन द मॉडल नेम हियर बाय जस्ट पुटिंग सम काइंड ऑफ मॉडल एंड देन द स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ ये स्पेसिफिक मॉडल चले देन आई कैन राइट डाउन दैट स्पेसिफिक मॉडल्स का पाथ और वो पाथ कहाँ से मिलना है यहाँ से ये जितने भी आपके पास मॉडल्स मैंने आपको पहले ओपन करवाए थे अगर हम यहां पे चलें तो ये इनका पाथ है स्टेबिलिटी ए का अगर मैंने ये वाला यूज करना है ये इनका पाथ है एंड यू कैन कॉपी दैट फ्रॉम हियर तो ये पाथ आपको चाहिए होता है यू टू यूज़ सम काइंड ऑफ मॉडल्स फ्रॉम हगिंग फेस और बिलीव मी अगर ये मॉडल आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर इस मॉडल का लिस्ट में होना जरूरी है जो मैंने पहले आपको ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट दिखाई थी दिस वन अगर यहां पर टेंथ फ्लो के साथ ये चलना चाहेगा देन यू कैन यूज विद फ्लो अदरवाइज यू हैव टू यूज पाई टॉर्च इसी वजह से इसी पॉइंट पर मैं ज्यादातर फोकस करते हुए कहूंगा कि यू शुड लर्न पाई टॉर्च एज वेल मैं टेंस फ्लो सिर्फ पढ़ा के बस करता होता हूँ अक्सर औकात लेकिन अब हमने क्योंकि थोड़े से एडवांस लेवल पर पढ़े हमने हगिंग फेस के मॉडल्स को यूज करने के लिए पाई टॉर्च को सीखना है एंड दैट विल ब्रिंग अस टुवर्ड्स द ट्रांसफार्मर्स और हम ट्रांसफार्मर्स को फिर वहाँ पर यूज़ करेंगे बट फॉर नाउ वी आर यूजिंग ओनली टेंस फ्लो टू लर्न हाउ इट वर्क ठीक है जी हमने अब यहाँ पर क्विक टूर पर दोबारा चलते हैं अब मैं करना चाह रहा हूँ पहला टास्क मैंने ये वाला टास्क किया मैंने कोई मॉडल नेम यहाँ पर नहीं दिया था सो आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग और मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ऑलरेडी दो सौ अठसठ एम बी का मॉडल डाउनलोड हो गया एंड नॉट ओनली दैट मेरे पास टोकनाइजर भी है वोकेबलरी भी आ गई है मॉडल सेव टेंसर्स भी आ गए ये ऐसे टेंसर्स होते हैं जो बेसिकली आप सेव करते हैं मैं सॉरी uh, मैं यहाँ पर आपको लेके जाता हूँ दोबारा यहाँ से मैं बात कर रहा था सो हियर यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि हमारे पास किस तरीके से जो मॉडल है वो डाउनलोड हुए टू सिक्स का एंड हाउ इट इज वर्किंग अब मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं यहां पर ठीक है अब बात ज़रा गौर से सुनिएगा यहां पर मॉडल्स पे क्लिक करते हैं ना पे पे मॉडल्स क्लिक करके जितने भी मॉडल्स आपके पास हैं अगर आप सारे के सारे मॉडल्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं गो फॉर वाइटॉर्च अगर आप नहीं करना चाहते सभी के सभी को जस्ट थिंक अबाउट कि आपका टास्क क्या है मेरा टास्क है जी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का मैं यहां पर आता हूं तो यहां पे इस सारे मॉडल मेरे पास आ गए एंड आई कैन एक्चुअली सॉर्ट आउट बेस्ड ऑन द मोस्ट डाउनलोड रिसेंटली अपडेटेड या ट्रेंडिंग मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक करता हूं तो सबसे ट्रेंडिंग इस वक्त बारह इशारिया सात मिलियन दफा जो डाउनलोड हुआ है दैट इज रोबर्टा बेस गो इमोशंस ठीक है ये मॉडल है मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेक्स क्लासिफिकेशन का मॉडल है ये और अगर आप यहां पर फाइल्स एंड वर्जन पे आएंगे तो जो ट्रांसफॉर्मर्स फाइल्स एंड वर्जन को डाउनलोड कर रहा है रोबर्टा मॉडल की तरह जो दूसरे हमने किए हैं सो इट्स डाउनलोडिंग दिस फाइल फोर नाइन सेफ्ट एंसर अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने जो सेफ्ट एंसर डाउनलोड किए हैं हमने इस मॉडल के किए हैं ठीक है अनकेस्ड फाइन ट्यून एस एस टी टू इंग्लिश सो इट्स टोटली अप टू यू अगर आप मॉडल का नाम देना चाहते हैं कि नहीं सो so, मेरे पास जनाबे वाला मॉडल आ गया क्लासिफायर बन गया नाउ वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू अब हम क्लासिफाई करते हैं टेक्स्ट को यूजिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट सेंटिमेंट क्या होते हैं कि अगर किसी ने कोई बात कही है क्या वो पॉजिटिव वे में कही है या नेगेटिव वे में कही है या न्यूट्रल में कही है सो वी कैन क्लासिफाई दैट एंड यूजिंग दिस टेक्स्ट अब टेक्स्ट के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बजाय इसके मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ इज इक्वल टू वी कैन प्रोवाइड अ टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी मैंने टेक्स्ट दिया और यहाँ पे बजाय स्ट्रिंग के मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ ठीक है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट रिजल्ट्स अब हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे यू कैन सी कि ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है एंड द स्कोर इज पॉइंट नाइन 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 यानी कि हंड्रेड परसेंट स्कोर के करीब करीब ये पॉजिटिव है आई एम हैप्पी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बट आई एम अ बिट सैड ये इसको मैं सैटिस्... इसको करता हूँ चेक तो ये नेगेटिव है रीजन क्या है कि नेगेटिव कॉनोटेशन जब भी आती है किसी भी चीज में सो so हैप्पी का मजा ही उड़ जाता है सो बेस्ड ऑन द मॉडल इट्स सेइंग कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट है ठीक है अब अगर मैं यहां पे लिखूं आई वाज सैड बट नाउ आई एम हैप्पी मैं इसको रन करता हूं नाउ दिस इज पॉजिटिव क्योंकि आई वॉज सैड अब मैं हैप्पी हूं तो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज की बेस पे ये क्लासिफाई करता है टेक्स्ट को एंड दिस इज़ वेरी इजी सिंपल क्लासीफिकेशन यूजिंग प्री ट्रेंड मॉडल्स या थ्रू ट्रांसफार्मर्स हम इसको यूज करके किसी भी चीज को क्लासीफाई कर सकते हैं एंड यू जस्ट सॉ कि आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर लिखें और क्लासीफाई कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे एक काम हम करने वाले हैं विच इज गोइंग टू चेंज द वे वी थिंक और वो काम क्या है जस्ट किव मी वन सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं जस्ट अ मिनट अच्छा जी ये मेरे पास ट्विटर है ट्विटर पे मैं एक बंदे का नाम लिखता हूँ आप इसको जानते होंगे इलॉन मस्क इलॉन मस्क का मैं ये वाला आ, जो एक्स पे ऊपर ट्विटर नहीं मैं इसको कहूँगा एक्स बोलूँगा एक्स के ऊपर मैंने इलॉन मस्क को सर्च किया अब इलॉन मस्क की जो आईडी है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद जनाबे वाला ये इसकी आईडी आ गई है सो so, मैं यहां से चेक करता हूं जो इलॉन मस्क ने कोई एक ट्वीट किया हुआ है सो आई कैन चेक कोई भी एक ट्वीट जिसमें इसने कुछ लिखा हुआ है सो so, ये वाला एक ट्वीट पकड़ते हैं मैं इसको कॉपी करता हूं वापस जाते हैं यहां पे मैं पेस्ट करता हूं इफ यू आर लकी हिस्ट्री रिमेंबर्स यू एज ए सैलड ठीक है समझ आ गई बात की सो so, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है और ये हम नहीं बता सकते अक्सर औकात हम कई चीजों को बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कई बता सकते हैं नेगेटिव है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डिफरेंट तो यहां पे एक और उसका ट्वीट मैं पकड़ता हूं उसने बात की है जी जिनाबे वाला यहां पे वर्ड्स मोस्ट तो आई हैव टू पुट डबल स्ट्रिंग डबल कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं नॉट लाइक दिस लेटर ऑन वी कैन डू दैट लें जनाब ये भी पॉजिटिव है और इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बंदा कितना पॉजिटिव कोई भी चीज बोल रहा है ठीक है लेट मी सी अग ट्वीट अब मैंने एक ये वाली न्यूज पकड़ी है और कोई ब्रेकिंग न्यूज थी ऑनलाइन मैंने इसको कॉपी किया है ये वाला ट्विटर से अब इसको पेस्ट करते हैं टेक्स्ट के अंदर सो so, मैं एक नया यहाँ पे टेक्स्ट का जो है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक दो तीन एंटर एंड आई कैन पेस्ट थिंग्स हि ये आ गया जो मेरा टेक्स्ट ये वाले को मैं कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि वो लंबा टेक्स्ट था मैंने इस वजह से उसको यूज किया उसको रन किया एंड ये भी पॉजिटिव है सो यू कैन एक्चुअली डू दिस सेंटिमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट अब सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होते हैं किसी भी एक टेक्स्ट को पॉजिटिव वे में कहा गया है नेगेटिव में कहा गया है कोई तंज की गई है कोई मजाक किया गया है या बात सच में की गई है यू कैन एक्चुअली क्लासिफाई दैट अब मॉडल पे डिपेंड करता है कल वाला लेक्चर याद करें जिसमें मैंने बताया था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है वो ट्रेन कैसे हुआ है और उसकी ट्रेनिंग के बेस पे आप डिसाइड करेंगे हाउ यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस ये तो हो गया सेंटिमेंट एनालिसिस की एग्जाम्पल अब एक और एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं हम मैं वापस आपको इसी जगह पे लेके आता हूँ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अब मैं टेक्स्ट जनरेशन का कोई मॉडल यहाँ पे लेता हूँ और उसके लिए पाइपलाइन के अंदर टेक्स्ट जनरेशन में लिखूंगा ठीक है और ये डिफॉल्ट मॉडल कोई भी उठा लेगा एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस टेक्स्ट जनरेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट जनरेशन टेक्स्ट जनरेशन लिखा यहां पे मैं जनरेटर ऐड करूंगा क्रिएट या ऐड टेक जनरेटर इसके अंदर हम लिख देते हैं जनरेटर इज इक्वल टू पाइपलाइन के अंदर टेक्स्ट जनरेशन ठीक है अब हमने टेक्स्ट जनरेशन करनी है जो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट जनरेशन ये हमने लिख दिया पाइपलाइन के अंदर टास्क के थ्रू और टास्क के अंदर हम देखेंगे कि हमने अब किस तरीके से ये काम करना है बेसिकली आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं डायरेक्टली सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग ओके यहां पे चेक करें जी मैंने टेक्स्ट जनरेशन लिखा जैसे मैं इसको रन करूंगा आई नो कि मैंने कोई भी मॉडल ने दिया तो यहां पे ऑटोमेटिकली जी टू मॉडल आ गया जीपी टू मॉडल ऑटोमेटिकली यहां पे डाउनलोड हो जाएगा इज वेरी बेसिक वर्जन बाय द वे तो आप देख रहे हैं कि ये पांच सौ का मॉडल है एम लिखा होता है तो अड़तालीस एम का हो गया सो इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड दिस मॉडल टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल अब आप क्या कर सकते हैं यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ टेक्स्ट जनरेशन एंड यू कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ टेक्स आउट ऑफ इट ठीक है अब कैसे आप टेक्स्ट को जनरेट करते हैं एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ टेक्सट जनरेशन वी विल सी दैट नाउ इन अ मिनट जैसे ही हमारे पास ये डाउनलोड हो जाता है ठीक है अब यहां पर मैं लिखता हूं जनरेट अ टेक्सट यूजिंग जनरेटर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखा हूँ द वर्ड इज़ आ आपने देखा होगा अक्सर अकात आपकेबोर्ड पर आगे सजेशन्स आ रही होती हैं वो सजेशन्स कैसे आ रही होती हैं इस मॉडल की बेस पे आ रही होती हैं इस तरह के मॉडल की बेस पे अब हम एक टेक्स्ट देंगे द वर्ड इज़ आगे बताएंगे मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी है एंड हम बताएंगे कि सैम्पलिंग लेनी है या नहीं लेनी है वट एवर ही इट वॉन्ट्स टू डू तो जब हम उसको रन करेंगे जनरेटर को यू विल सी के हमारे पास एक टेक्स्ट बन के आ जाएगा विच वी कैन प्रिंट इट ऑन अब यहाँ पे यहाँ पे हमने टैक्स की लेंथ भी बता दी है जनरेटर भी बता दिया है एंड नाउ वी कैन प्रिंट दैट अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी प्रिंट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस एंड देन यू डोंट नीड टू पुट द टैक्स जनरेशन हियर ये मेरे पास मॉडल टेंसर uh, इसके सेव हो गए टेक्स्ट भी आ गया वो कैब भी आ गई टोकनाइजर भी आ गया एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम जब तक ये टिक का निशान नहीं आ जाता मेरे पास टिक का निशान भी आ गया एंड बिलीव मी ये सारी की सारी जगह आपके पास सी uh, या डी ड्राइव के अंदर हिडन फोल्डर के अंदर सेव हो रहे हैं ये हगिंग फेस के मॉडल सो समटाइम्स यू नीड टू क्लीन दैम आप अगर बहुत बड़े मॉडल भी आप ले आते हैं अब मैं यहां पर इसको प्रिंट करता हूं नाउ यू कैन सी हमारे पास uh, uh, देखते हैं कि हमारे पास क्या टेक्स्ट जनरेट होता है लेट्स सी द वर्ड इज अ बेटर प्लेस इफ यू आर गुड पर्सन आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी अ बैड पर्सन आई एम सेइंग सेइंग दैट दैट यू 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 शुड शुड बी बी अ अ गुड पर्सन आई एम नॉट बैड सी तो हमारे पास क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 50 थी इस वजह से हमारे पास ये चीज आई और ट्रंकेशन वॉज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्टिवेटेड बट मैक्सिमम लेंथ इज प्रोवाइडेड अ स्पेसिफिक वैल्यू प्लीज यूज ट्रंकेशन ट्रू टू एक्सप्लिसिटली डू समथिंग तो हम यहां पर ट्रंकेशन ट्रू यूज करते हैं लेट सी नाउ यू कैन सी के हमारे पास ओपन एंड जनरेशन की बेस पे कोई चीज बनेगी वी कैन वेट अ लिटर बिट

यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग हेयर आई मीन आई मीन दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज वे और आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ डिफरेंट ही लिखा हुआ है मतलब रोहो रोहो की बातें हो रही हैं क्यों हो रही हैं एल एल एम मॉडल की बेसिक ट्रेनिंग बहुत थोड़े टैक्स पे हुई है बिकॉज वी आर यूजिंग जी पी टी टू जस्ट इमेजन कि आप ओपन ए आई की चैट जी पी टी की ए पी आई यूज़ कर लें या ओपन ए आई की ए पी आई यूज़ कर लें और वहाँ पर जी पी टी फोर को यूज़ करें टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ डेटा आपका टेक्स्ट और भी अच्छा बनेगा एंड यूजिंग दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स यू कैन क्रिएट यूर ओन जी पी टी प्रॉम्स यू कैन क्रिएट योर ओन चैट बोर्ड यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन सॉफ्टवेयर जो आपस में गुफ्तु भी करते हैं और ये सारी चीजें पॉसिबल हैं बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एंड द ट्रांसफॉर्मर जो अब हम काम कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट द एंड आई वुड से आप कुछ और भी कर सकते हैं कुछ और कैसे कर सकते हैं मैं आपको पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ अभी आपने सेंटिमेंट एनालिसिस के टेक्स्ट जनरेशन के समराइजर आप बना सकते हैं इमेज क्लासिफायर आप बना सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर विजन टास्क आप इमेज सेगमेंटेशन का टास्क कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का कर सकते हैं सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना चाहूँगा आई हैव टू डाउनलोड अ लॉट ऑफ बिग मॉडल्स वो यही नहीं भैया सुनो जरा यू कैन ऑल्सो यूज ऑडियो क्लासिफिकेशन यू कैन ऑल्सो यूज ऑटोमेटिक स्पीच रिकिग्नेशन यू कैन ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ वीक यू वे विच इज अ काइंड ऑफ आंसर क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो डू डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आंसरिंग आप जितना भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट भी हों एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड इमेज टू टेक्स्ट यानी कि तस्वीर अपलोड करो प्रॉम्प्ट लो वो लोग जो देख नहीं पाते मे भी उनके लिए ये एक चीज़ हो कि कैमरा से तस्वीर बन रही है तस्वीर uh, मोबाइल को फीड हो रही है और उसका टेक्स्ट बन के स्पीच के थ्रू उनके कानों में जा रहा है एंड दिस इज़ वाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड के लोग कैमरा को यूज़ करके लाइव फीड ले रहे हैं और वो तस्वीरें जो हैं कैमरा से जा रही हैं एक ऐसे इमेज टू टेक्स्ट ट्रांसफार्मर को टेक्स्ट से वो फिर ऑडियो के अंदर कन्वर्ट होकर उनको सुनाई दे रही हैं सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मशीन लर्निंग एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दिस टास्क ट्रांसफार्मर्स को प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिएगा और इनको इंस्टॉल करके कम से कम आप प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जितने भी हमारे पास मौजूद हैं ऑनलाइन ऑन हगिंग फेस कुछ ना कुछ नया करें

एंड प्लीज गो अड एंड यूटिलाइज द पावर ऑफ ट्रांसफार्मर्स इसको और भी डिटेल में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर्स होते गए बट नॉट टूडे अभी के लिए इतना ही और होपफुली uh, आपने लाइक कर दिया होगा कर दिए कर दें या लाइक सब्सक्राइब कर दिए कर देना सेलिब्रेट तो मैंने कर दिया एंड दिस इज फॉर दोज पीपल जो ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं समझ आ गई है शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ अल्लाह हाफि